हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोलकाता वर्सेस मुंबई के बीच में जो मैच होने वाला है, इस मैच के बारे में। ये मैच जो है कोलकाता में होने वाला है और ये दोनों टीमों के लिए बहुत ही अच्छी जो है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैच जीतने का, और कोलकाता के लिए ज़्यादा अच्छी है। अगर वो ये मैच जीत लेते हैं तो वो एक और स्टेप जो है क्वालिफाई करने के लिए क्लोज हो जाएंगे, वहीं पर मुंबई को जो है सारी मैच जीतना पड़ेगा। तो कोलकाता जो है बैटिंग फ्रेंडली पीछे प्रीवियस में जो है 170 और 190 बने थे, तो आप ज़्यादातर बैट्समैन के साथ जा सकते हो। बाकी जो गिव अवे है आपको जो है इस पर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गिव अवे का टोटल प्राइस जो है वो 1K है, तो अराउंड जो है 10 या फिर 5 लोगों में से ये इसे 1K को जो है आप डिवाइड करके मैं देने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या करने पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है मेरी वीडियोस को जो है लाइक करना पड़ेगा, जो लोग करते हैं वो मुझे पता है और वो लोग जो है आगे हैं, और जो लोग जो अब नहीं करते हैं तो वो लोग ज़रूर कीजिएगा, शायद आप भी जो है जीत सकते हो। और कमेंट ज़रूर करना जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लेके दे सकता हूँ आपके नाम का, और आपसे जो है मैं अपनी नंबर देके आपको मैं पेटीएम कर सकता हूँ। तो कमेंट और लाइक मस्ट है, आप अगर करेंगे तो मुझे पता चलेगा। और जो गिव अवे आपको अराउंड जो है फाइनल मैच के 1 वीक या फिर फाइनल मैच के जो है आईपीएल के फाइनल मैच के पहले मिल जाएगा, जिससे आप जो है ग्रैंड लीग पे लगा के बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हो। अगर आप लोग समझ लो, अगर मैं 5 लोगों में से डिवाइड करता हूँ आपको जो है 200 रुपये करके मिल सकता है। तो फ्रेंड, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और गिव अवे पार्टिसिपेट करने के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, कमेंट आप कुछ भी कर सकते हो, और Q&A वीडियो भी आने वाला है, तो आप मेरे से कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हो जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है आंसर करूँगा। तो फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीम न्यूज़ एंड इसके बारे में। तो मैंने अपनी एप्लीकेशन पे जो है सब कुछ अपडेट कर दिया है, तो आप चाहें तो मेरी डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप चाहें तो वहाँ पे जो है वो अपडेट ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये वीडियो जो है मैं तीसरी बार बना रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि मेरा माइक 2 बार जो मैंने बनाया था वो रिकॉर्डिंग ही नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा इसलिए मैं फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा मेरा जो है दिमाग ख़राब हो चुका है। तो फिर भी मैं आपको एक तीसरी बार बना के दे रहा हूँ ये वीडियो, शायद इस बार अपलोड हो जाए ठीक से, माइक से आवाज़ आ जाए। क्योंकि प्रीवियस जब मैं कल डाला था तभी जो है जो उस पर आवाज़ नहीं थी, इसलिए मैंने लास्ट में जो है प्राइवेट कर लिया था वीडियो। तो न्यूज़ ये आ रही है कि प्रदीश कृष्णा को मौका मिला है, और एक और मौका मिल सकता है, तो मौवी को आप लेने की कोशिश मत कीजिएगा। वहीं पे जॉनसन की जगह जो है टॉम कुरन खेल सकते हैं। शुभमन गिल ओपनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीवियस मैच पे जो है सुनील नारायण थोड़ी अनफिट हो चुके थे, क्योंकि ह्यूमिनिटी ज़्यादा थी तो उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, इसलिए सुनील नारायण की जगह जो है शुभमन गिल को ओपनिंग का मौका मिला था। लेकिन कल के मैच में नारायण फिर से ओपनिंग करेंगे। वहीं पे बेन कटिंग और JP डुमिने की जो है इस जगह है वो थोड़े खतरे में, अदरवाइज प्लेइंग 11 आप यहाँ से पढ़ सकते हो ऐप डाउनलोड करके, और आप यहाँ पे देख भी सकते हो पोस्ट करके। तो मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में बात कर लेता हूँ, दिनेश कार्तिक, क्रिस लिन एंड रॉबिन उथप्पा इनके जो है की प्लेयर हैं कोलकाता के। वहीं पर बॉलिंग पे जो कुलदीप चावला और नारायण जो है इनके मेन स्पिनर और मेन बॉलर हैं। वहीं पे जो है यहाँ पे मुंबई इंडियंस के लिए सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और एवन लुईस बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। बॉलिंग में हार्दिक पांड्या और मयंक मार्कंडे ने 13 और 14 जो है लिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कमेंट ऑप्शन है, तो आप चाहें तो यहाँ पे कमेंट करके जो है अपनी जो है क्वेरी या फिर क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। तो फ्रेंड, बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम के बारे में। तो फाइनली मैं बहुत ज़्यादा ये हो चुका हूँ, दिमाग ख़राब हो चुका है मेरा, फिर भी मैं तीसरी बार वीडियो बना रहा हूँ, शायद इस बार अपलोड हो जाए सही से। विकेट कीपर पे आपके पास दिनेश कार्तिक बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे। वहीं पे ईशान किशन आपके लिए ग्रैंड लीग में आप ले सकते हो। बैटिंग पे आपके पास सच कहें तो आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ 6 ऑप्शन है, तो ग्रैंड लीग में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है कि आप कम टीम में जो ग्रैंड लीग जीत सकते हो। 6 ऑप्शन क्या है, रोहित शर्मा, रॉबिन उथप्पा, क्रिस लिन, नीतीश राणा, सूर्य कुमार यादव, इवन लुईस और जो है शुभमन गिल। यही सिर्फ 6 ऑप्शन है आपके पास जिस पे आप जो है चूज़ कर सकते हो। 6 यानी 7 ऑप्शन है आपके पास, 4 तो 6 यानी 7 ऑप्शन है आपके पास जिससे आप जो है पिक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सूर्य रोहित शर्मा को लिया है,
रॉबिन उथप्पा को लिया है, नीतीश राणा और सूर्या कुमार यादव को लिया है। ऑलराउंडर की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल लीग के लिए आपके पास 3 ऑलराउंडर के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य नारायण, हार्दिक पांड्या एंड कुणाल पांड्या आपके लिए बेस्ट होंगे। ग्रैंड लीग में आप चाहे तो रसल को ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग में मैंने कुलदीप मैक्लेरेगन एंड मयंक मार्कंडे को लिया, आप चाहे तो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए आपके पास सेफ एंड बेस्ट ऑप्शन जो हार्दिक पांड्या ही रहेंगे मेरे हिसाब से, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, नीतीश राणा और रॉबिन उथप्पा को आप वाइस कैप्टन कर सकते हो। दिनेश कार्तिक भी अच्छे ऑप्शन होंगे ग्रैंड लीग के लिए एज ए कैप्टन। तो फ्रेंड फाइनली, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको गिव अवे अगर पार्टिसिपेट करना है और Q&A में कोई अपनी कमेंट जो है लेनी है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में।